ने तमीर किया था और इसका अफ्ताह गवर्नर जनरल मिर्जा ने किया था नेशनल हॉस्पिटल की पूरी अराजी और इसकी तमीर पाकिस्तान ने गरीब आवाम के मुफ्त इलाज के लिए की थी क्योंकि आगा खान फाउंडेशन ने ये कहकर जमीन हासिल की थी कि वो गरीब आवाम के सस्ते इलाज के लिए हॉस्पिटल तमीर करेंगे और उस हॉस्पिटल में मुस्तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा एक बात याद रखे ट्रस्ट कवानीन के मुताबिक काबिल एतम प्रॉपर्टी पर किसी भी किस्म का कोई भी वफाकी या याबाई टैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है आगा खान हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल दोनों इनकम टैक्स के अलावा कोई भी टैक्स नहीं देते लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो खालिस्तन वफाकी सरकारी हॉस्पिटल था जिस पर जालसाजी के जरिए कुछ कारोबारी ग्रुपों ने कब्जा कर लिया और जालसाजी के जरिए सरकारी एतमाद को ट्रस्ट औलाद में तब्दील कर चुके हैं इस तरह आगा खान हॉस्पिटल ने हुक पाकिस्तान के साथ जालसाजी का इतकब किया जब आगा खान फाउंडेशन को ये जमीन बिल्कुल मुफ्त दी गई थी उस वक्त इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए थी अब इस जमीन की कीमत ही तकरीबन 500 अरब की मालियत है जो सिंध के गरीब अवाम की जमीन है ये दोनों हॉस्पिटल खैराती मकसद के लिए सिंध के गरीब आवाम के लिए है और अब वो अमीर मरीजों का महंगा तरीन इलाज करके लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए हुकूमत को बगैर कोई टैक्स दिए कमा रहे हैं गरीब आदमी तो आगा खान हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में इलाज करवाने का सोच भी नहीं सकता एक मरीज के प्राइवेट कमरे का एक दिन का किराया बत्तीस हजार रूपए है जो किसी फाइव स्टार होटल के किराए से भी ज्यादा है हर तरफ लूट मार का बाजार सरगर्म है कोई पूछने वाला नहीं मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अरबाबी अख्तियार व आला कानूनी इदारों तक आवाज पहुँचाई जा सके अवाम मुतालबा करती है कि इन हॉस्पिटल्स को भी एन आई सी वी डी और एस आई यू टी की तर्ज पर चलाया जाए ताकि गरीब लोगों का कुछ